स्कूली विद्यार्थियों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई है और 16 जून गुरुवार से पुनः स्कूल प्रारंभ कर दिया गया है। सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों में प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया और बच्चों का स्कूल के प्रांगण में स्वागत किया गया। 11 जून को मॉनसून ने पूरे प्रदेश सहित भिलाई में भी दस्तक दी थी और यही दस्तक स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी होती है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां अब समाप्त हो गई हैं और पुनः अब स्कूल जाकर विद्या ज्ञान लेने का समय आ गया है। 16 जून दिन गुरुवार को सभी स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां समाप्त हो गई और स्कूल पुनः प्रारंभ कर दिए गए। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों का स्वागत किया गया और स्कूल प्रवेश उत्सव मनाया गया। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद विद्यार्थी भी पुनः स्कूल पहुंचकर काफी हर्षित नजर आए। स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती के समक्ष वंदना की और विद्या की देवी से विद्या दान मांगा। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन ने भी विद्यार्थियों के स्वागत के लिए भरपूर तैयारियां कर रखी थी। विद्यार्थियों के स्वागत के पश्चात विद्यार्थियों को कक्षाओं में बैठाकर स्कूल के नए सत्र को प्रारंभ कर दिया गया। बच्चों की उपस्थिति अच्छी है। करीब 170 बच्चे आए हैं। अटेंडेंस अच्छा है, बच्चों का बच्चे उत्सुक भी हैं, एक्साइटेड है और टीचर्स और सब लोग भी उतने एक्साइटेड है बच्चों को यहाँ देख के। 44 बच्चों को, 6 बच्चे महतारी दुलार से तो सब कुछ फॉलो हो रहा है जो भी नॉर्मल अपने वो रहते हैं, है ना। बच्चों को भी बताया गया है जो हाइजीन और मास्क लगाना है, हाइजीन से रिलेटेड जो भी है, इसके बारे में पूरा बच्चों को बताया गया है। 16 जून से स्कूली विद्यार्थियों के नए सत्र प्रारंभ हो गए और स्कूल प्रबंधन ने अपने अपने स्तर पर पूरे सुरक्षात्मक तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। साथ ही जिन बच्चों के कोविड टीकाकरण नहीं हुए हैं उनके परिजनों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।